कल रात से हो रही है, इतना कंटिन्यूअस। मैं बस 2 मिनट के लिए गई थी। ये फेमस कचौरी मिलता है, इसको कुछ शेगांव कचौरी कहते हैं, और ये इतनी यम्मी होती है, हम चाय के साथ पी रहे हैं। और साइशा को इतना बाय, उसको जबरदस्ती। सो अभी हम बस नाश्ता कर रहे हैं, मौसम भी बहुत सही हो रहा है, शायद से बारिश भी आ सकता है, हुआ नहीं है। और ये हमारा क्यूट सा गार्डन है। बापले, दो दो बैग लेके मेरी गुज्जू कहाँ जा रही है? ऑफिस जा रहे हो क्या गुज्जू? ओ गुज्जू ऑफिस जा रहे हो क्या? बाबा। सो आज फाइनली सुमित अपना टिफिन लेके आया है, शायद से इसके अंदर और भी एक छोड़, नहीं नहीं है, है उसके अंदर निकालना है मुझे। गुज्जू कहाँ जा रहे हो? ओ मेरा बच्चा कहाँ जा रही है? ये और एक चीज दिखाना था, ये हमने ऑर्डर किया है इसके लिए, ये वाला कवर बहुत सही लग रहा है, ये पूरा एकदम ग्रे में है, उसके ऊपर ब्लैक कलर का ऐसे छोटा छोटा फ्लोरल वाला है। अभी शाम को ही आया, इसके कोई डिलीवर हुआ है, बहुत सही लग रहा है, ऐसा पूरा कवर हो गया है। और ये ऐसा इधर भी ऐसा, ये पूरा ऐसे जिप से ऐसे खुलता है, दोनों तरफ ऐसे जिप से खुलता है, और ये भी ऐसे इसके ऊपर भी ऐसा कवर टाइप का है, प्लास्टिक टाइप का, तो खराब होने का चांस नहीं है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शताब्दी समिंग सिंह बॉय। सो अभी मैं बस इतना लेट हो गया आज उठने में, अभी साइशा मुझे छोड़ ही नहीं रही थी, मैं 7 बजे से कोशिश कर रही थी उठ के आने के लिए, पर वो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर, बहुत ज़्यादा। आई शो यू, वेट। रात से हो रही है, पूरा कंटिन्यूअस हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, पर मौसम इतना ठंडा हो गया है। हम तो आज को 2 दिन हो गया हमें एसी चलाया ही नहीं, और मतलब पंखे में भी इतनी ठंडी हो रही है। सो अभी मैं क्या करूंगी, अभी मैं फटाफट से, अभी कुछ ऑप्शन नहीं है मुझे, मैंने पत्ता गोभी लेके आई थी। सो ये पत्ता गोभी की सूखी वाली सब्जी बना दूंगी, और एक्चुअली मैं आज सोच रही थी गवार फली का बनाऊं, पर अभी मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि उसको कट आज मैं कट करके रखती हूँ, कल मैं बनाऊंगी। अभी पत्ता गोभी का फटाफट से कट करके सब्जी बना देती हूँ, और उसके साथ रोटी लगा आटा लगा दूंगी रोटी के लिए। मेरी एक पूरा इतनी बड़ी पत्ता गोभी में, आधा गोभी में पूरा कीड़ा लग गया था, तो मेरा इतना ही गोभी जो कि अभी अच्छा है। और तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, अभी एक एक आलू, छोटा सा आलू डाल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी बहुत कम हो जाएगा ये बनने के बाद। और एक टमाटर ऐसे आधा, इतना इतना बड़ा टमाटर था उसका आधा मैं ले रही हूँ। सो पहले मैं आलू को फ्राई करूँगी। ये मेरा आलू थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया, अभी मैं इसमें मेरा गोभी डाल दूँगी। उसमें मैंने वो कटा हुआ टमाटर डाल दिया, थोड़ा नमक डाल दिया स्वाद के हिसाब से, थोड़ा हल्दी पाउडर डाल दिया, और मेरे पास जो कश्मीरी वाला लाल मिर्च था वो मैंने डाल दिया। बस इन सबको मिक्स करके मैं ढक दूँगी, ढक के पकाऊंगी, खुले में नहीं पकाऊंगी। मैंने अभी तक फ्लेम को हाई किया, हाई फ्लेम में इसको 2-3 मिनट चला लूँगी। तो फ्लेम को स्लो करूँगी और इसको अभी सब्जी को ढक दूंगी। मैंने ऐसे सब्जी को ढक दिया, बीच बीच में देखती रहूंगी। सो मेरी सब्जी बनके रेडी हो गई है, आप भी एक बार ट्राई कर सकते घर पे ऐसी सब्जी बनाना, क्योंकि क्या होता है कि आपको बहुत जल्दी बन जाती है। और जो जब आप पहले आलू को थोड़ा फ्राई करते हैं ना हल्का सा, उसको बस डार्क ब्राउन ही करना है, आप हाई फ्लेम में भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि पक तो वो गोभी के साथ ही जाता है ढक के। और इसमें कैसे मैंने कच्चा टमाटर मिक्स किया है ना, और कच्चे टमाटर का एकदम फ्लेवर इतना अच्छे से पता लगता है, पूरा खट्टा वाला फ्लेवर पूरा आता है। अगर आपको ऐसे खट्टी सब्जी थोड़ा खट्टा नहीं पसंद है, आप थोड़ा चीनी मिक्स कर सकते हैं, जो कि मैंने थोड़ा सा इधर चीनी मिक्स किया है, क्योंकि मुझे बहुत
पसंद है खट्टा मीठा वाली सब्जी, पूरी खट्टी सब्जी तो मुझे पसंद नहीं है। और बस बन गई है मेरी सब्जी। मैं अगर आपके पास धनिया पत्ता है तो आप डाल सकते हो इसके ऊपर, एक्चुअली मेरे पास अभी है नहीं। सो मैं एक एक बार इसको ना थोड़ा हाई फ्लेम में चलाऊंगी, बस उसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगी। तो अभी मैं गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ और हमारा सब्जी बनकर रेडी हो गया है। कपड़े धुले हैं, मतलब मैंने नहीं धुला है, ऑफ कोर्स ये सब वॉशिंग मशीन में ही धुला हुआ है। और ये मेरी कुछ चुप्पू इधर खेल रही है और कुछ कुछ कपड़े हमने इधर ऊपर। यू ऑल कैन सी मैं बस 2 मिनट के लिए गई। मेरा इतना लेट हो गया आज, एक्चुअली खाना वाना मैंने भी खाना खा लिया है, पर क्या हो रहा है अभी 2-3 दिन से मैं सोच रही हूँ कि मैं वीडियो शूट करूँगी। मुझे एक रक्षाबंधन के लिए शूट करना है कोई एक दो लुक, पर मुझसे हो ही नहीं पा रहा है। क्या पता है अभी मौसम इतनी बारिश हो रही है इधर ना, तो बहुत बारिश हो रही है और ना कैसे पूरा हर जगह पे ना पूरा एकदम अंधेरा अंधेरा हो रहा है, तो जिसके वजह से मुझे शूट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पर मैंने आज सोच लिया आज तो कैसे भी करके करूँगी, रक्षाबंधन में कैसे टाइप का पहन सकते हो। सो एनीवे चलिए फिर अभी मैं क्या करती हूँ, पहले मैं शाइशा को सुला देती हूँ, फिर उसके बाद मैं तैयार होके शूट करती हूँ। मेरी मैडम इधर कुछ पढ़ो, हाँ बेबी शोई शोई नहीं करना है, चलो मुंह धोधा देती हूँ। आजा वॉश करो फेस, चल मुंह धुला दू। सही सबको नमस्ते करती, नमस्ते। अरे बाबा जी आजा।